भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब टीम इंडिया दूसरे T20 मैच में जीत हासिल कर इस सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। आपको बता दें कि पहले मैच में रेस्ट पर रहने वाले कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी दूसरे T20 मुकाबले में हो सकती है। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आपको बदली हुई दिखाई देगी। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में भिड़ने वाले कई युवा खिलाड़ियों को पहले T20 मैच में रेस्ट दिया गया था। ऐसे में दूसरे T20 मैच में इन सभी खिलाड़ियों की वापसी होगी। खासकर सभी की नजरें एक बार फिर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर होगी। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, घातक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हो सकती है। इन खिलाड़ियों में सिर्फ पंत ही ऐसे हैं जो शायद दूसरे T20 मैच में भी बाहर रहें, लेकिन बाकी 3 खिलाड़ियों का प्लेइंग 11 में शामिल होना करीब करीब तय है। अब इन खिलाड़ियों की वापसी होने पर प्लेइंग 11 से कुछ खिलाड़ियों का बाहर निकलना तय है। शानदार फॉर्म में चल रहे दीपक हुड्डा की जगह दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। विराट कोहली के पास खुद को T20 क्रिकेट में साबित करने के लिए ये आखिरी सीरीज हो सकती है। वहीं रविंद्र जडेजा भी अक्षय पटेल की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह हर्षल पटेल की जगह ले सकते हैं। इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन टीम के प्लेइंग 11 में टॉप खिलाड़ियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है।